हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। इस चैनल को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन के नॉलेज सीरीज की। पिगमेंटेशन से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस हम लोग इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप भी परेशान हैं पिगमेंटेशन से और आपने हमारे किसी वीडियो को मिस कर दिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 वीडियोज हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उस बीमारी के बारे में नॉलेज होना ही बहुत ज्यादा एक बड़ा हथियार बन जाता है हमारा। अगर हमें उस बीमारी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है, तो हम उस बीमारी को कैसे ठीक करना है इस बारे में तो बहुत जल्दी ही फैसला ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन और स्लीपिंग पैटर्न के कनेक्शन के बारे में, कि पिगमेंटेशन जो है उसके लिए नींद कितनी ज़रूरी है। अगर हम पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं तो हमें कितना ज़रूरी है प्रॉपर नींद लेना, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं डाइट के बारे में, क्या नहीं लेना है इसके बारे में, कौन से ऑयल्स बाहर से यूज़ करने हैं उसके बारे में, सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस के बारे में, और बहुत 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 सारे कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी इस सीरीज़ के अंदर कर चुके हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना ज्यादा वक्त जाया किए हुए। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज है जो हर इंसान, हर जीव के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ दिनों तक कोशिश करें कि लगातार बिना नींद के रह लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हम कुछ घंटे भी अगर अपने रूटीन टाइमिंग से लेट सोते हैं, तो भी हमें कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस फील होना शुरू हो जाती है। लाइक अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैं 10-10:30 सो जाता हूं नाइट में, लेकिन अगर किसी दिन मुझे किसी वजह से 2 घंटा ज़्यादा जागना पड़े, तो वो 2 घंटे मेरी बॉडी मुझसे उस जागने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की डिमांड करती है। और ये बहुत सारे जो एफर्ट्स है, कहीं ना कहीं जो आपकी बॉडी है, उस बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग स्पीड है, उस नेचुरल हीलिंग स्पीड को डिस्टर्ब कर देती है। अब समझो, लाइक सपोज करो कि आप 10 बजे सोते हो, सुबह 4 बजे उठते हो, ये मेरा शेड्यूल है, ठीक है। अब ये 10 से 4 मतलब आपको 6 घंटे की नींद बॉडी को मिलती है, लेकिन आप आज किसी वजह से रात को 11 बजे सोए, लेकिन सुबह आप वही 4 बजे उठ रहे हो, या सपोज करो कि आपने उस नींद को पूरा करने के लिए 5 बजे आप उठे, तो जो एक्चुअल, जो नेचुरल, जो आपकी बॉडी क्लॉक थी ना, वो डिस्टर्ब हो गई। और ये नेचुरल बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होने की वजह से ही जो हमारी बॉडी का जो नेचुरल रिकवरी प्रोसेस होता है, जो हमारी बॉडी जितना दिन भर में डैमेज हुआ है हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाओं का, सेल्स का, उसको जो रिकवर करती है रात को, वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया। और जैसे ही वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका जो पिगमेंटेशन को जो ठीक करने का जो हीलिंग प्रोसेस है, वो भी कहीं ना कहीं डिले हो गया। उसका कारण क्या है डिले होने का? देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, लॉजिकल ब्रेन से समझोगे तो जल्दी समझ आएगा। आपके पास में 2 सिचुएशंस हैं। एक ऐसे सिचुएशन है जिसके अंदर आपको बच्चे को स्कूल से पिक करके लेकर के आना है, राइट? और एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है उसी एग्जैक्ट टाइम पर, राइट? अब आप उन दोनों सिचुएशंस में से, आई गेस, अगर आप समझदार व्यक्ति होगे, तो डेफिनेटली आप चूज करोगे कि आपको टाइम से अपने बच्चे को स्कूल से पहले पिकअप करके लेके आना है। दे कैन वेट फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट्स, राइट? तो आपने क्या किया, आपने दोनों सिचुएशंस में से एक सिचुएशन को प्रायोरिटी दी और एक को नहीं दी, या एक को थोड़ा आगे पोस्टपोन किया। वैसे हमारी जो बॉडी है, वो बॉडी भी हर पल, हर क्षण प्रायोरिटी सेट करती है। अगर आज आप उसके सामने पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रखोगे और साथ में हार्ट की प्रॉब्लम रखोगे, तो डेफिनेटली वो हार्ट को चूज करेगी, क्योंकि जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है रादर देन खूबसूरत दिखना। आप समझ रहे हैं बात को? यहीं पर आकर के गड़बड़ स्टार्ट होती है, कि जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, जब आप सही से नहीं सोते हो, आपकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब कर देते हो, तो उसकी वजह से ब्रेन जो है, बॉडी जो है, जो बहुत असेंशियल वाले जो बॉडी ऑर्गन्स है, उसको तो रिकवरी कर लेती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट उसे नहीं लगते, या जिनकी इंपॉर्टेंस उसको थोड़ी कम लगती है, उसको
को वो आगे के लिए पोस्टपोन्ड कर देती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये आगे का दिन कभी नहीं आता, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है गड़बड़ नींद, खराब नींद, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं इलाज के लिए पेशेंट्स बनकर, तो हम लोगों ने देखा कि जब हम उनसे बात करते हैं आप कब सोते हैं, तो लेट नाइट सो रहे हैं, 12 बजे, 11:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे इवन, राइट। और सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। हमारी बॉडी का ना एक नेचुरल क्लॉक सिस्टम होता है, वो एक समय पर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करती है, एक समय पर वो बॉडी को रिजुविनेट करने का काम करती है, कुछ समय के लिए वो बॉडी के अंदर जो भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, बीमारियां चल रही, उसे रिपेयर करने का काम करती है, कुछ समय उसका नींद का टाइम होता है। लेकिन आपके ये जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं, ये स्लीपिंग आपके गड़बड़ आवर्स उस बॉडी के बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर आपको बॉडी क्लॉक के बारे में नहीं पता है, तो मैं आने वाले वीडियोज में आपको बॉडी क्लॉक के बारे में भी जरूर आइडिया दूंगा। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो वीडियो, या नहीं देखना चाहते, तो मुझे पता लगे कि मुझे क्या बनाना है, राइट। सो ये जो गड़बड़ आपकी जो नींद है, ये जो गड़बड़ आपके स्लीपिंग आवर्स है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो स्किन है, उस स्किन को बैक फोल्डर के अंदर लेके जा रहे हैं। बैक फोल्डर मतलब आपके पास सपोज अगर 5 काम की एक लिस्ट है, उसमें से आपने 3 काम प्रायोरिटी से सेट कर लिए, काम कर लिए, 3 काम करने के बाद आपके पास 2 और काम आ गए, लेकिन आपको लगा कि जो बचे हुए काम थे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 नए काम है, तो आप क्या करते हो, उन 2 काम को कर देते हो, लेकिन जो पुराने वाले जो 2 काम थे वो क्या हो रहे हैं, डाउन लिस्ट के अंदर जा रहे हैं। वैसा ही हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन का हाल होता है, क्योंकि स्किन का काम है मतलब खूबसूरत दिखने के लिए ना, राइट। एक तो प्रोटेक्शन तो वो दे ही दिया, बिकॉज इट्स देयर, वो कहीं जा नहीं रही आपकी बॉडी से, लेकिन आपको वो जो खूबसूरत दिखने वाला जो पैटर्न है, या जो इवन स्किन दिखने वाला जो इंपॉर्टेंस है, वो उतना ज्यादा नहीं है, रादर देन योर रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, ठीक है। आपकी बॉडी के लिए ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी रिकवरी आपकी बॉडी सबसे पहले करती है। आपकी बॉडी के लिए हार्ट जरूरी है, ब्रेन के बाद रिकवरी आपके हार्ट की होती है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर किडनी है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन्स है, बोन्स है, मसल्स है, आईज है, टंग है, टीथ है, कितने सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। अब सोचो आप कुछ जिंदगी के साल जो बचे हुए हैं उसे दाग धब्बों के साथ तो निकाल सकते हो, लेकिन दिल काम नहीं करे तो कैसे निकालोगे, इज इट पॉसिबल, नो इट्स नॉट पॉसिबल। क्या आप बिना फेफड़ों के अपनी जिंदगी निकाल सकते हो, क्या आप बिना किडनी के अपनी जिंदगी निकाल सकते हो, क्या आपने बिना ब्रेन के जिंदगी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, राइट। तो ब्रेन को करना क्या पड़ता है, बॉडी को करना क्या पड़ता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी दो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बैकलिस्ट में डालते जाओ, और स्किन बैकलिस्ट में चली जाती है जब आप प्रॉपर उसको रिकवरी के लिए स्लीप नहीं देते हो, राइट। तो प्रॉपर नींद लेनी है। अब प्रॉपर नींद का मतलब क्या, प्रॉपर नींद का मतलब कि आप कम से कम 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लो, राइट। और ये नींद कैसी हो, रात को टाइम से सोना इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो आपसे डिमांड करती है 10, 10:30, 11 बजते कि अब आप सो जाओ, और आप जबरदस्ती मोबाइल के पीछे यूट्यूब पर मेरे वीडियोस देखने के लिए या किसी और के वीडियोस देखने के लिए जागे रहते हो, राइट, विच इज नॉट गुड। आपको वीडियोस देखने आप सुबह उठ के देखो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, डे टाइम में देखो, इवनिंग आवर्स में देखो, या और भी जो भी कुछ करिकुलम एक्टिविटीज आप करते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो 10, 11 बजे तक आप सो, और सुबह 5 बजे, 5:30, 6 बजे तक उठ जाओ, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप, नंबर 1। नंबर 2, स्लीप का टाइप क्या है, आप कहीं कुत्ते वाली नींद तो नहीं सो रहे, कुत्ते वाली नींद मतलब ऐसी नींद जो बहुत छोटी सी हलचल से टूट जाए, राइट। लाइक आपके रूम में किसी ने लाइट ऑन किया, ऑफ किया, उसका स्विच भी अगर हुआ, उस आवाज किया, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की जो रिकवरी स्पीड है वो डिस्टर्ब्ड हो रही है, राइट। तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, तो नींद आने के लिए भी आप कोशिश करो कि आप प्रॉपर अरोमा थेरेपी का यूज करो। अरोमा थेरेपी के अंदर एक ऑयल है जिसका नाम है सेवोरी एसेंशियल ऑयल, SAVORY। अगर आप इस सेवोरी एसेंशियल ऑयल को अरोमा डिफ्यूजर में अगर जलाते हो, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी नींद को साउंड करने के लिए, साथ के साथ आपको कम नींद के अंदर भी ज्यादा रिकवर
रिकवरी स्पीड को बढ़ाने में आपको ये सेवरी ऑयल मदद करता है, राइट? तो ध्यान रखना है आपको कि आपके लिए अगर पिगमेंटेशन की लड़ाई को आप जीतना चाहते हो तो आपको हर एक एस्पेक्ट पर काम करना पड़ेगा। 95% लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाहर से कुछ लगा करके उस पिगमेंट को ठीक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो लड़ाई है ये आपको बहुत सारे अलग अलग मोर्चों से एक साथ हैंडल करनी है। जब आप उन अलग अलग मोर्चों से एक साथ हैंडल करोगे तो डेफिनेटली आपकी ये जो लड़ाई है इसमें जीत आपकी होगी। आपको प्रॉपर नींद भी उतनी जरूरी है जितना बाहर से कॉस्मेटिक लगाना, प्रॉपर डाइट भी उतनी जरूरी है जितना एक्सरसाइज करना, राइट? तो उम्मीद करता हूं आज का आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप एक अच्छी नींद लेना जरूर स्टार्ट कर देंगे, राइट? सो अगर आपके वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमें मोटिवेट करें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा आप अगर अभी अच्छे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े और हमें एक इनडायरेक्टली एक मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर मनोज दास के नाम से। आने वाले वीडियोज आप कौन से टॉपिक से जुड़े हुए देखना चाहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जरूर बताएं। आप हमारे जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर भी आप कॉल करके बता सकते हैं। एक और बात, कस्टमर केयर नंबर जो है वो सिर्फ बहुत ज्यादा इमरजेंसी कॉल्स के लिए है, अदरवाइज आप उसे व्हाट्सएप के लिए यूज कीजिए। व्हाट्सएप पर आपको आंसर आएगा, आंसर आने के लिए हो सकता है एक दिन दो दिन तीन दिन का टाइम लगे। सो डोंट बी पैनिक, क्योंकि जिस तरह से आपका प्यार इस चैनल को मिल रहा है, जिस तरह से आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आ रही है, लोगों का एक बहुत बड़ा सैलाब उस नंबर पर अटैक करता है एक साथ, जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़े मुश्किल होते हैं उन सबको हैंडल करना। हम कोशिश कर रहे हैं बैकएंड पर ज्यादा से ज्यादा लाइंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन हर चीज को थोड़ा समय लगता है। उम्मीद करता हूं आपका कॉपरेशन हमारे इस प्रयास में आप मिलता रहेगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे आज अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड, आपका प्यार इसी चैनल को इस तरह मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।